अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू उर्दू ब्यूटी सीक्रेट्स। आज की वीडियो में आप लोगों को हैंड एंड फीट वाइडनिंग का बहुत ही अच्छा हर्बल लोशन बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो गर्ल्स जिनकी शादी होने वाली है तो वो अभी से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उनके हाथ पाँव बिल्कुल बच्चों की तरह सॉफ्ट नरम और मुलायम हो जाएंगे। और अगर आपके हाथ या पाँव पर कोई भी दाग पड़ गया है, कट का निशान पड़ गया है, तो वो भी आहिस्ते आहिस्ते रिमूव होने लगेगा, आपके हाथ पाँव बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। सर्दी की वजह से जो लकीरें पड़ गई हैं हाथ पाँव पर, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। चाहें तो आप इसको नेक पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 चम्मच आलमंड ऑयल का। आलमंड ऑयल आपको अच्छी कंपनी का लेना है ताकि वो अच्छा वर्क करे। पंसार की शॉप से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि उनके पंसार की शॉप पर असल जड़ी बूटियों से और असल चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पर प्योर बादाम का ऑयल आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 चम्मच बादाम का तेल लेने के बाद हम लेंगे, उसके बाद हम आधा चम्मच लेंगे ग्लिसरीन का। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना मिक्स करना है कि ये गाढ़ा सा लोशन बन जाए। इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले अपने हाथ और पाँव को वॉश कर लें, फिर जितने ड्रॉप्स आप लोशन के ले रहे हैं उतने ही ड्रॉप्स इसमें लेमन जूस डाल दें। लेमन जूस हमने पहले लोशन में इसलिए ऐड नहीं किया ताकि आप लोशन को देर तक स्टोर कर सकें। अगर हम इसमें पहले ही लेमन जूस ऐड कर देते तो ये 3 से 4 दिन से ज़्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर पाते। अब आप इसको जितना टाइम चाहें उतना टाइम स्टोर कर सकते हैं, और जब आप इस्तेमाल करें तो लेमन जूस के ड्रॉप्स मिक्स करके और अपने हाथ और पाँव पर अच्छे से मसाज कर लें। 2 मिनट के बाद ये स्किन में जज़ब हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपने स्किन पर ग्लिसरीन या फिर ऑयल लगाया हुआ है। सर्दी की वजह से आपकी जितनी भी रंगत ख़राब हो गई है, काली हो गई है, वो आहिस्ता आहिस्ता रीस्टोर होने लगेगी। हाथ और पांव बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी हाथ और पांव पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें।